Hi guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. Hello everyone, I hope you all are doing well. So we are back with another video. And we guys are back with your favorite and our favorite, the best and the best roaster of all time, Kerry Minotti. कल ही उनकी एक बहुत ही अच्छी वीडियो रिलीज हुई है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स. या लेट्स सी व्हाट पाकिस्तान के बारे में है. सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग. एंड मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब ऐसे कुछ पाकिस्तान के बारे में बात होगी और कैरी मिनाटी जी के मुँह से बात होगी. सो लेट्स सी कहाँ पे. ऑब्वियसली रोज तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है. एंड आप लोग हर वक्त रिक्वेस्ट करते रहते हो कि प्लीज़ रिएक्ट ऑन समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ ऑन द फनी साइड. हमें समझ नहीं आता है कि क्या रिएक्ट करें. आप लोग राउंड टू हेल पे भी बोलते हो एंड देन आशीष चिचलानी पे भी बोलते हो, बहुत सारों पे बोलते हो. राउंड टू हेल की वीडियोस पर हम लोग इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी जो वीडियोज़ का टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोगों को मुश्किल हो जाएगा. एंड आई नो कि आप लोग इतनी देर बैठ के देख भी नहीं सकते हमारे साथ, सो इस वजह से हम लोग नहीं करें. अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पार्ट्स में कर लें, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और हम कर देंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो विद खदीजा एंड ज़ैनब. या नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो कैसे हैं आप लोग? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रूह आ गई तो तुम किसको बुलाओगे? घोस्ट हंटर्स. पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स. लेकिन सबसे ज्यादा भूतों से उन्हीं की फटती है. इनके कान में फूंक भी मार दो. और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में भूतों की इतनी वैरायटी है. डेविल बेबी फादर ऑफ घोस्ट, वैसी औरतें वैसी चुड़ैल, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने भी अटैक कर रखा है. रुको, ज़ैन ऐसे नहीं करो. रुको इधर. कमीज के नीचे चड्डा पहन रखा है. ऐसे ज़ॉम्बी हर ठेके के बाहर मिल जाएंगे. बिग फुट येटी फाउंड इन पाकिस्तान. बस तेरे पीछे कुछ ही ना. बिगफुट दिखाई दिया, मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें. चूपा काबरा फाउंड इन लाहौर पाके. चूपा काबरा? अब भूत क्या चूपा मार के जाएगा तुम्हारा? आज हम पता लगाएंगे कि क्या उस काले साए में कुछ होता है या नहीं. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त. अरे अरे क्या कर रहे हो चूपा काबरा भाई? ओह जो भी कर रहे हो करते रहो. यहाँ से लोग जब गुजरते थे ना खौफ ज्यादा हो जाते थे. कुछ महसूस होता है ना? मुझे कुछ ऐसे लगा है कि किसी ने मुझे पकड़ के खींचा. इनकी पर्सनैलिटी पैरानॉर्मल है. हवा नहीं चल रही है, कोई इन्हें खींच रहा है. हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, कोई इनकी छाती पे नाच रहा है. अस्थमा का मरीज होगा उसको जिन घोषित कर देंगे. हम इस जगह का विजिट करना चाहते हैं. आपका कोई बच्चा, कोई फैमिली मेंबर? इतनी घमासान गांड फट रही है तो कर क्यों रहे हो? हर दो दो सेकंड में कुछ एहसास और महसूस होना शुरू हो जाता है. और बकचोदी देख लो, तीनों अलग दिशा में देख रहे हैं. और जो साइड में शूरवीर फीमेल घोस्ट हंटर है वह विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनना चाहती है. मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, जिससे रहने ही दीजिए. हो गया नाइट आउट, एक्टिविस्ट से मंत्री बना दे. अभी तो भूत दिखाई भी नहीं दिया है, ऐसे कौवे मारने वाली चीखे मार रही है. मैं भूत पकड़ने के लिए डैन कौन ले जाता है? ये कौन दुबई से भागा हुआ मजदूर है? हीटर जैसी थूत बना रखी है, ये क्या घंटा डराएगा? भूत खुद सहमा हुआ लग रहा है. और घोस्ट हंटर की आवाजें सुन लो, ऐसा लग रहा है कोई बुड्ढा सेक्स कर रहा है. ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीन है. कौन कहता है ये मेरा घर है? और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं. ऐसे कैसे खेल रहे हैं? भूत है कि रैपर? दुनिया को हम जैसे तैसे झेल रहे हैं. यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं. रहूंगा वही है तू जहाँ पे. चले जाओ, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे. हम चले जाएंगे. आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है. ये तो इनकी जमीन है. भूत के कान कमजोर हो रखे हैं. अगर तुम मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसे बात नहीं मानेगा. ये पाकिस्तानी पाब्लो एस्कोबार डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाह रहा है. पर तो कुछ रहा नहीं है, बस उंगली घुमा लो
और जब भैया घोस्ट हंटर चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भस्म हो रहा है। अरे भूतनी के, क्यों भूतों की इज्जत डुबा रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे यहाँ से हमसे? 100 भैंसों का गोश्त चाहिए। नहीं, मुझे 50 भैंसों का खून। नहीं, 50 नहीं चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं। मुझे लगा ये भूत पकड़ने आया, यहाँ तो सौदेबाजी चल रही है। गोश्त हंटर प्रॉपर्टी डीलर भी है, 100 से 50 पे ले आया और उंगली ऐसे हथियार की तरह दिखा रहा जैसे गोली मार देगा। जरा सोचो, जब सब रात को घोड़े बेच के सो रहे हैं तो दुनिया के किसी कोने में ऐसी भेड़ी नौटंकी चल रही है। नहीं, मत पढ़ो, सीरियसली। एक भैंस भी नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बकरा यहाँ पे, क्या ये कबूल है आपको? हाँ, एक भैंस भी नहीं, बकरे में निपटा दिया। ऐसा नाड़ी में पहली बार देख रहा हूँ जो मरने के बाद भी नुकसान में जी रहा है। ऐसे सस्ते बिकाऊ लोग नहीं पसंद। 50 भैंस चाहिए थे अभी और। तो आर्टी फॉक्स लाया है दिवाली सेल, जैकेट्स, हुडीज, बैग्स आदि तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स पे 40% का डिस्काउंट। और एक्टिव फॉक्स ने गेमिंग माउस भी लॉन्च किया है जो पूरा रिसाइकल्ड प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर्ड है और इनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं। तो जाओ जाके लो बे। हाँ, तो कहते हम सस्ते बिकाऊ लोग, तुम जा सकते हो, जाओ निकलो। कुत्ते की तरह भगा दिया, अब तो दया आ रही है, अगला प्लीज और कह रहा है। अच्छा हुआ ये भूत है, वरना इतनी बेइज्जती के बाद जिंदा कौन रहना चाहता है। तो बच्चों, हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? अगर तुम पूरी शिद्दत से किसी की गांड में उंगल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, चाहे वो गांड जीवित हो या मरी हुई। अब चलते हैं दूसरे गोश्त हंटर। ऐसे थोड़ी मिलेगी मुक्ति, इन भूतों से सही में डर लगने लगा है। आज टांग उठाइए, कल को घोड़ी ना बना दे। क्या धोखेबाज भूत है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और घोस्ट हंटर भी तो घड़े बकचोद है, भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। चल 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 चलिए बारह भूखे हमारे साथ चलो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले ये घोस्ट हंटर थे, अब ये कानून बन गए हैं। अबे सब तरछी हैंडल हो, खुफिया अड्डे पे जाकर दाऊद थोड़ी पकड़ रहे हो। खंडरों में काला सपोला पकड़ा जा रहा है, कानून। नौकरी चौकीदार की इज्जत सीबीआई वाली चाहिए। क्या कर रहे हैं, किसका बाया एक तो पहना। ये काला जादू नहीं करता, ये खुद काला जादू है। एक तो बाल के नाम पे जब मस्करी झाटे लटका रखी है ना, अगले को किलो से ज्यादा सकल छुपाने की टेंशन है। छह फुट 4 इंच का पठान बिलोटे की तरह लड़ रहा है। अबे तू कानून बनने आए थे खातून? घोस्ट हंटर और भूत से ज्यादा मियां बीवी का रिश्ता लग रहा है। लेकिन डर का सामना करने वालों की फटके चार नहीं होती और गांड में उंगल करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या आवाज है, पिल्ला टायर के नीचे आ गया क्या? पाकिस्तान में भूत से बढ़िया तो बकरे की जिंदगी है। ऐसी रगड़ा देख के तो मुजरिम भी साधु बन जाए। क्या दोगे? पैसे दोगे? कितना चाहिए? पैसे दोगे? कितना चाहिए अपने लोगों को? 1 करोड़? 2 करोड़ कितनी चाहिए अपने लोगों को? साले खंडर में रह रहा है, 2 करोड़ इतना घसीटने के बाद भी मान नहीं रहा है। जैसी इसकी हालत है, ये शरीर के सारे पुर्जे बेचने जाएगा तब भी 5 लाख से ऊपर की कहानी नहीं है, उसमें भी 50 बीमारियां निकलाएंगी। तो बच्चों, इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चाहे भूत हो या इंसान, पकड़ा तो गरीब ही जाता है। खैर, हम ये भी देख लेते हैं हमारे यहाँ की घोस्ट हंटिंग कैसी है। चार्ली, दिल्ली की सड़कों पे विदेशी भूत बुलाया जा रहा है। और ये भूतों के क्या नाम है? चार्ली, जॉनी, पीटर, लौड़ा, लसन। और ये इतने पढ़े लिखे हैं, तीनों के स्पिरिट अलग है। स्पिरिट। शहर में 1000 शिक्षा केंद्र और खुल जाए, लेकिन जब दिमाग ही लंडे तो सरकार भी क्या कर लेगी। भाई आवाज आ रही है। भाई चलो 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 भाई चलो। हुआ क्या, मैं समझ नहीं पाया, सारे भागे क्यों? लेकिन हंडल को पता ही नहीं है भागा क्यों, सारी दुनिया जान की बुद्धि इन्हें क्यों दे रखी है। ये इतने होशियार है, इन्हें लगता है इलोन मस्क किसी रॉकेट का नाम है। मैं समझ नहीं पाया यार, बंद करो ये कमरे बमरे, बंद करो कमरे बमरे। अरे दीदी, कैमरा होता है, हे भगवान, बच्चे की ट्यूशन भी नहीं लगवा सकता, अध्यापक अपने गोली मार लेगा। इंसान के शरीर में चूजे का दिमाग दे रखा है। और कैमरामैन देख लो, कतई चिल बैठा है, क्योंकि उसकी आंखों ने जो घनघोर चूतियापा देख रखा है ना, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ मैं नहीं चाहता कोई स्पिरिट हमारे साथ हमारे घर तक जाए। कौन सी स्पिरिट,
तेरे घर जाना चाह रही है, तेरी गाड़ी में छलावाना बैठे भूत तो बहुत दूर की बात है, अगर इसके घर मुक्ति भी मिल रही है ना तो गांड मरा है मुक्ति। तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिल, शिक्षा की ही तो कमी है। बस भैया बस मुझे मुक्ति दे दो, मेरी स्पिरिट बेचैन हो रही है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, वरना समझ लो 6 मिलियन लाइक्स। और भैया दिवाली आ रही है, आर्टिक फॉक्स में 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बिकाऊ कैरी कोड का इस्तेमाल करो बे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे। अरे तो फिर अभी तो 9 मिनट पहले। अरे भाई मोहित 40 मिलियन करवा दे वरना इसके चूपे नहीं रुकेंगे। बुरे की क्या बात है इसमें, आप देखो जो भी मन में है मैं तो बता देता हूँ, अब तुम बताने क्यों नहीं बताती हो? तुम ये बोल रहे हो छोटे हैं, मतलब क्या तुम छोटे होते नहीं है? छोटे होते हैं लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता, आप जानते हो मैं कर दूंगा बड़े। As always, कैरी मनाटी की वीडियो देखने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, अंदर ऐसा लग रहा है कि यार कैसे कैसे लोग दुनिया में। एंड पार्ट वॉज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा था। क्या यूनिक एंडिंग करते हैं, मतलब लिटरली सच एन अमेजिंग रोस्टर। बहुत ही मज़ा आया, मतलब क्लासिकल वीडियो कि आपका अगर मूड ख़राब है आप इनकी वीडियो देख लोगे ना, आप मूड अच्छा हो जाएगा, हंसी आएगी, ज़रूर आएगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल, वरना भूत आ जाएगा। ओके एंड And press the bell icon. Also, you can follow our page on Instagram as well, which is thais_reaction. And what else? Yeah, you can follow us, like our personal accounts as well. Mine is khadija_fatahi. And mine is zainab_fatahi. Now, we're ending this video with a very positive message, which is don't forget to spread peace, love, and positivity. Bye-bye.